हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक आईडी भंडारी ने 267 पन्नों की किताब मिडनाइट रेड लिखी है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहली मई को पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेंद्र सिंह बिलासपुर में विमोचन करेंगे। इस किताब को लेकर आईडी भंडारी का कहना है कि पुलिस अधिकारी के लिए सेवा काल के दौरान अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति प्रेरणा स्रोत के रूप में सिद्ध उपयोगी होगी। उन्होंने कहा कि अपने जीवन वृत्त से जुड़ी घटना को मद्देनजर रखते हुए आईडी भंडारी ने अपनी किताब में राजनेताओं के द्वारा विरोधी दलों से अपना बदला लेने के दौरान अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने का भी इसमें वर्णन किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी एक रहस्य खोला कि उन्हें प्रताड़ित करने वो झूठा मामला दर्ज करवाने वाले अधिकारियों पर भी मामला दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि आईडी भंडारी फोन रिकॉर्डिंग के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2013 में पुलिस महानिदेशक के पद से हटाया था। उस दौरान भंडारी पर भी फोन टेपिंग का मामला दर्ज हुआ था, मगर इस बारे में आईडी भंडारी का कहना है कि उन पर दायर मामले में वे न्यायालय में बाइज्जत बरी हुए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस के सीआईडी विंग को टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत टेलीफोन को रिकॉर्ड करने का अधिकार है, मगर उससे पहले सरकार से अनुमति ली जाती है। पुलिस उस स्थिति में टेलीफोन रिकॉर्ड करती है जब कोई मामला असामाजिक तत्व व देश सुरक्षा से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि उनके साथ राजनीतिक तौर पर जो भी घटनाक्रम हुआ था उसमें ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी कि उन पर मामला बनता हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज देश के मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी सरकार से पिछले 5 सालों का हिसाब मांग रहे हैं और उसका हिसाब भी मांग रहे हैं जो वायदे उन्होंने पिछले चुनावों में किए थे। अनंत शर्मा ने कहा कि आज खासतौर पर नौजवानों में निराशा है और आज बेरोजगारी अपने निचले स्तर पर चली गई है। शर्मा ने धर्मशाला के दाड़ी में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के लिए आयोजित रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत की। कांग्रेस नेता ने कहा कि नए आंकड़ों के अनुसार 50 सालों में आज तक ऐसी बेरोजगारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 करोड़ रोजगार का वायदा किया था जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने किसानों से किया वायदा भी नहीं निभाया और किसानों को 1.5 गुना MSP भी नहीं मिला। अनंत शर्मा ने आरोप लगाया कि मोदी राज में आज देश की हर संस्था चरमरा गई है और अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने दल की चिंता करें। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम शर्मा पर दिए गए बयान पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और वह चारों लोकसभा सीटें जीतेगी। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी द्वारा अभिनेता अक्षय कुमार को दिए गए इंटरव्यू को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी एक बहुत बड़े एक्टर हैं। उन्होंने GST और नोटबंदी को लेकर भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। देवभूमि हिमाचल को पुरानी परंपराओं व सुंदरता के नाम से ही जाना जाता है, पर देवभूमि को सजाकर रखने वाला यही परंपरा लुप्त होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं जिला सिरमौर के पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों विश्व मेले की धूम पर हर क्षेत्रों में नजर आती है। जिला सिरमौर पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों विश्व मेले की धूम हर क्षेत्रों में नजर आती थी। विश्व मेलों की पुरानी परंपराएं देखने के लिए उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों से लोग पहुंचते थे। विश्व मेलों में थोड़ा नृत्य, रासे, कुश्ती इत्यादि विश्व मेला में आयोजन की जाती थी। गिरिपार क्षेत्र सतौन मेला जिला सिरमौर का सबसे बड़ा फेमस मेला माना जाता था, पर इस बार बड़ी विडंबना का विषय रहा कि मेले में मात्र 30% भीड़ नजर आई। दुकानों के रेट ज्यादा नजर आ रहे हैं, पहलवानों को मात्र कम ही इनाम दिया जा रहा है।
आधुनिक युग के कारण युवा मोबाइल में व्यस्त नजर आ रहा है और बुजुर्ग टीवी अखबारों में नजर आते हैं, जिससे पुरानी परंपराएं लुप्त हो रही हैं। पहले गांव में नाटियां, थोड़ा कुश्ती, रास्ते इत्यादि का आयोजन किए जाते थे, लेकिन आज के लिए सब कुछ कम होता जा रहा है। बाहरी राज्यों के लोगों का कहना है कि मेला कमेटी ने पुराने आयोजन बंद कर दिया है। देवता की पालकी लाई जाती थी, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु शीश झुकाकर मनोकामनाएं मानते थे। स्टोन बाजार में जो भीड़ नजर आती थी, वह भी बंद हो चुकी है। मेले में इस बार बहुत कम लोग नजर आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गिरिपार दुर्गम क्षेत्र के कफोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बैठक में सभी आशा वर्करों, स्कूल अध्यापक, आंगनवाड़ी वर्करों को बताया कि घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करें। प्रदेश सरकार द्वारा जो भी स्कीम धरातल पर भेजी जाती है, धरातल पर गांव वासियों को नहीं पहुंचती। आज भी कई गांवों की महिलाएं जागरूक नहीं है। इस बैठक में शिक्षा विभाग व आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्करों को बुलाया गया था। इस बैठक में मुख्य रूप से डॉक्टर अभय राणा मौजूद रहे। डॉक्टर राणा ने लोगों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति के बारे में जानकारी दी। अभय राणा ने कहा कि 1 मई को पूरे जिला में 1 साल से लेकर 19 साल तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है, जो कि आंगनवाड़ी व स्कूलों में खिलाई जाएगी। ये गोली 1 साल से 2 साल तक के बच्चों को आधी गोली खिलाई जाएगी, जबकि 2 से 19 वर्ष के बच्चों को पूरी गोली खिलाई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ये भी बताया गया कि बच्चों को गोली खिलाने के साथ साथ अपने क्षेत्र के आसपास की सभी चीजों को ढका हुआ रखना होगा। सभी लोगों को खाने पीने की सभी ढकी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना होगा, ताकि बीमारियों से बचा जा सके।